Hello friends, welcome to all. Today is our lecture on double line to ground fault. तो हमारा जो previous lecture था उसके अंदर हमने जो single line to ground fault है और double line fault है उसके बारे में जाना था. उसके अंदर हमने fault current की value find की थी और phase voltage की value find की थी. उसके बाद हमने जो है ये double line to ground fault है उसके बारे में हमने दो condition जो है वो previous lecture के अंदर find की थी. इस लेक्चर के अंदर वो जो कंडीशन थी उसका यूज करके हम फोल्ड करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड के लिए हमने क्या किया था वहां पर कि ये हमारे पास थ्री फेजेस है सपोज, और ये हमारा जनरेटर है. अब ये हमारा अगर जनरेटर है और ये हमारे थ्री फेजेस है सपोज आर वाई और बी, तो हम अब क्या करने वाले थे कि हमने जो दो फेजेस थे ये हमारा आर फेज, वाई फेज और बी फेज, तो ये दो जो फेजेस है Y और B, उन दोनों फेजेस के अंदर हमने दोनों फेजेस को कनेक्ट करके उसको हमने ग्राउंड कर दिया है, यानी कि यहाँ पर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया है. तो इसका मतलब क्या है कि जो ये दोनों करंट है, एक करंट जो Y फेज में बहेगा वो IY और B फेज में बहेगा वही IB, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है उन दोनों का सम जो होके ग्राउंड में जाता है, यानी कि ये हमारा फोल्ड टोटल फोल्ड करंट है. यानी फोल्ड करंट कितना होगा, आई बी प्लस आई वाई इज इक्वल टू फोल्ड करंट. यानी कि हमें आई बी प्लस आई वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारा फोल्ड करंट होगा. यहां पर जनरेटर का जो वोल्टेज है वो ई आर है क्योंकि बैलेंस कंडीशन में है, और यहां पर हमने न्यूट्रल दिया हुआ है. और इसके साथ साथ जो आर फेज होगा उसमें करंट कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर फॉल्ट है फॉल्ट के अलावा जो रिमेनिंग फेजेस होंगे उसके अंदर करंट जीरो लेंगे हम. तो यहाँ तक जो है वो हमने देखा था, और उसके बाद हमने दो कंडीशन जो है वो डिराइव की थी जो हमारा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है उसके लिए. तो पहली कंडीशन क्या थी हमारी, एक तो हमने मालूम है कि आई आर इज इक्वल टू जीरो है, और दूसरा वी वाई, क्योंकि हमारा जो वाई फेज है उसका वोल्टेज और बी फेज है उसका वोल्टेज, वो दोनों हमने वाई फेज और बी फेज दोनों ग्राउंड कर दिए हैं, यानी कि जीरो पोटेंशियल पर है. तो वाई वी वाई और वी बी दोनों जीरो है. ये दोनों जो है आई आर इज इक्वल टू जीरो और वी वाई इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू जीरो. उससे हमने दो और कंडीशन फाइंड की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वो थी वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी जीरो इज इक्वल टू वन बाई थ्री वी आर. तो पहली कंडीशन हमारी ये थी, और दूसरा हमने फाइंड किया था कि आई आर इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि आई आर जो है उसके पॉजिटिव सिक्वेंस, नेगेटिव सिक्वेंस और जीरो सिक्वेंस, इन तीनों का सम अगर हम लेंगे तो हमें जीरो मिलेगा. यानी हमारे पास दो कंडीशन आ गई है, एक जो हमारा वी वन वी टू और वी जीरो, यानी कि पॉजिटिव सिक्वेंस, नेगेटिव सिक्वेंस और जीरो सिक्वेंस ऑफ आर फेज इज इक्वल टू वन बाई थ्री वी आर, आर फेज के वोल्टेज, और करंट ऑफ आर फेज इज इक्वल टू जीरो सिक्वेंस, नेगेटिव सिक्वेंस एंड पॉजिटिव सिक्वेंस, तीनों का सम हमें जो है वो करंट ऑफ आर फेज मिलेगा इज इक्वल टू जीरो. तो ये दो कंडीशन जो है हमने यहाँ तक फाइंड की थी, और हमने मालूम किया था कि अगर फोल्ड करंट हमें फाइंड करना है तो फोल्ड करंट का मतलब क्या होगा कि जो ये फोल्ड करंट है एक्चुअल में, सपोज हम अज्यूम करें कि ये वी वन वी टू और वी जीरो बराबर वन बाई थ्री वी आर है, हमें फोल्ड करंट फाइंड करना है. फोल्ड करंट मतलब क्या है हमारा, आई वाई प्लस आई बी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है आई वाई प्लस आई बी की. तो अगर हमें जीरो सिक्वेंस करंट यहां पर मिल जाए, सपोज अज्यूम करें कि जीरो सिक्वेंस करंट मिल जाए, तो जीरो सिक्वेंस करंट यानी क्या है आई जीरो, उसकी वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, वन बाई थ्री आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी. तो इस इक्वेशन से हमें जीरो सिक्वेंस करंट मिलता है. अब वन बाई थ्री आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, अब आई आर तो जो है वो हमारा आर फेस का करंट वो जीरो, आई वाई प्लस आई बी फाइन करना है यानी कि ये हमारा फोल्ड करंट. तो हमें फोल्ड करंट फाइन करना है, तो आई आर तो जीरो है, यानी आई वाई प्लस आई बी अगर 3 को हम इस तरफ ले जाए तो 3i0 हो जाएगा, यानी फॉल्ट करंट बराबर हमें इक्वेशन कौन सा मिलेगा, 3i0
जो है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। यानी अगर जीरो सीक्वेंस करंट रेफर टू फेज आर अगर हम वैल्यू फाइंड कर लें तो हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू मिल जाएगी। यानी अब फॉल्ट करंट फाइंड करने के लिए पहले जीरो सीक्वेंस करंट को फाइंड करना होगा। तो अब जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर दो कंडीशन है एक्चुअल में, V1 + V2 = V3 = 1/3 VR और I1 + I2 + I0 = 0। तो अब जो है हम फोर्ड करंट कैसे फाइंड करेंगे वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमारे पास जो है V1 की वैल्यू जो है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है V1 = ER - I1Z1। तो हमने प्रीवियस जो हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट था और डबल लाइन फॉल्ट था उसके अंदर हमने ये फॉर्मूला बताया था। क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है कि जो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस है उसका फेज वोल्टेज फाइंड करने का ये फॉर्मूला है V1 = ER - I1Z1। क्यों यहाँ पर ER है, क्योंकि ये E1 की वैल्यू है। उसी तरह हमें अगर V2 यानी कि नेगेटिव सीक्वेंस फाइंड करना है तो E2 - I2Z2, और अगर V0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो E0 - I0Z0, उससे हमें ये वैल्यू मिलती है। लेकिन हमें मालूम है कि जो हमारा जो EMF है जो हमारा जनरेटर का EMF है उसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज बैलेंस कंडीशन में हमने एजप्शन में बैलेंस कंडीशन में ली हुई है। तो इसका मतलब बैलेंस कंडीशन में सिर्फ हमें पॉजिटिव सीक्वेंस ही मिलेगा, यानी E2 और E0 दोनों की वैल्यू 0 आएगी I2Z2 और यहाँ पर 0 I0Z0, और E1 के बराबर हमारा जो वोल्टेज है वो ER - I1Z1। यानी कि हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो V1 = ER - I1Z1, V2 = -I2Z2 और V0 = -I0Z0। तो ये तीनों फॉर्मूला जो है वो हमें V1, V2 और V0 के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पहले हम V1 का फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं। अब V1 का फॉर्मूला क्या है हमारा, ER - I1Z1। अब यहाँ से हमें अगर I1 करंट फाइंड करना हो तो I1 के बराबर हम क्या लेंगे, V1 - I1 बराबर अगर हमें फाइंड करना हो तो I1 IZ जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी ER - V1 / Z1। तो ये हमें करंट I1 की वैल्यू मिली। उसी तरह अगर हमें I2 की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि V2 में से, तो V2 बराबर क्या है, -I2Z2। तो हमें I2 की वैल्यू फाइंड करनी है यानी I2 = V2 / Z2 - उसी तरह अगर V0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो V0 बराबर क्या है, -I0Z0। सो I0 बराबर हमारे पास होगा V0/Z0-। तो ये हमें तीन वैल्यू जो है वो I0 के लिए मिली, I2 के लिए मिली और I1 के लिए हमने तीन वैल्यू जो है वो फाइंड की हुई है। तो ये तीनों फॉर्मूला जो है I1, I2 और I0 के, वो तीनों को हम यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर पुट करेंगे I1 + I2 + I0 = में। तो अब उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो अब हमारे पास I1 + I2 + I0 = 0 है। अब I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ER - V1 / Z1 प्लस ये जो हमारे पास यहाँ जो I1 की वैल्यू है वो एज इट इज हम रखेंगे और I2 की जो वैल्यू है वहाँ पर हम I2 की वैल्यू पुट करेंगे वो है -V2/Z2 और I0 की जो वैल्यू है वो -V0/Z0 = 0। यहाँ पर से I1 जो है माइनस, अब ये V2 हमारी जो कंडीशन थी वो कौन सी थी, V1 = V2 = V0 = VR/3। यानी V1, V2 और V3 जो है वो तीनों इक्वल है।
अब ये तीनों जो अगर इक्वल हो तो यहाँ पर हम V2 की जगह पर V1 ले सकते हैं और यहाँ पर भी V0 की जगह पर V1 ले सकते हैं। तो हमें I1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, I1 इज इक्वल टू V1 बाय Z2 माइनस प्लस V1 बाय Z0। अब यहाँ पर I1 इज इक्वल टू V1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z0, यानी ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो I1 के लिए मिलेगी। अगर यहाँ पर हम जो है वो I1 की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पर है उसमें अगर जो हम V1 की वैल्यू जो है वो पुट कर दें तो हमें जो है वो I1 की वैल्यू मिल जाएगी इम्पीडेंस और हमारे जो EMF के फॉर्म के अंदर। फिर I1 की वैल्यू मिलने के बाद हम I2 की वैल्यू और I0 की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो अब जो है वह इस इक्वेशन के अंदर जो है V1 की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, जो I1 की वैल्यू यहाँ पर हमें आई है वो हम हमारे इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो I1 के लिए हमने फाइंड किया हुआ था ये, उसमें से अगर V1 की वैल्यू हम निकालें तो V1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, Z0 Z2 by Z0 plus Z2 into I1। अब ये हमारे जो है V1 की वैल्यू है। अब हमने I1 की वैल्यू कौन सी फाइंड की हुई थी, वो थी ER माइनस V1 अपॉन Z1 जो हमने पहले I1 की वैल्यू फाइंड की हुई थी। अगर यहाँ पर ये V1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमें I1 की वैल्यू मिलेगी ER और हमारे जो जनरेटिंग EMF और इम्पीडेंस के फॉर्म के अंदर। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि जो I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू ER माइनस V1 अपॉन Z1। यहाँ पर हम VR की V1 की वैल्यू पुट करेंगे वो है Z0 Z2 अपॉन Z0 प्लस Z2 इंटू I1 डिवाइडेड बाय Z1। अब ये जो वैल्यू है Z1 जो है उसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा I1 Z1 इज इक्वल टू ई आर माइनस Z0 Z2 बाय Z0 प्लस Z2 इंटू I1। तो ये जो है हमें I1 Z1 इक्वेशन मिला। अगर यहाँ से हम I1 की वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो अगर I1 की वैल्यू यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो I1 कॉमन हो जाएगा, यानी Z1 प्लस Z0 Z2 बाय Z0 प्लस Z2 इज इक्वल टू ER। अब हमें I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू ER अपॉन Z1 प्लस Z0 Z2 बाय Z0 प्लस Z0 सॉरी Z2। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला है वो हमारा I1 करंट के लिए फॉर्मूला जो है वो हमने फाइंड किया हुआ है। उसी तरह जो है वो हम I2 के लिए और I0 के लिए भी हम फॉर्मूला जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला जो है वो हम I1 और I2 के लिए अगर अप्लाई करें I2 और I0 के लिए हम अप्लाई करें तो I2 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी I2 इज इक्वल टू माइनस I1 इंटू Z0 बाय Z1 प्लस Z2, और I0 की वैल्यू अगर फाइंड करें तो वो वैल्यू आएगी माइनस I1 Z2 बाय Z2 प्लस Z0। यानी हमने I1, I2 और I3 जो है तीनों की वैल्यू I1, I2 और I0 तीनों की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की हुई है। अब इससे अगर हम इम्पीडेंस डायग्राम जो है वो बनाएं तो हमारा जो है डायग्राम जो है वो कैसा बनेगा, हमारे पास तीनों की वैल्यू थी जो हमारा जो ये EMF है जनरेटिंग EMF, उसके साथ साथ जो हमारा पहला जो इक्वेशन था V1 इज इक्वल टू क्या था हमारा ER माइनस I1 Z1, यानी कि ER और उसके साथ हमारा जो इम्पीडेंस है Z1 वो
उसके साथ साथ वी टू इज इक्वल टू माइनस आई टू जेड टू, यानी वी टू इज इक्वल टू माइनस आई टू जेड टू, यानी कि दोनों पैरेलल में हमारे पास एक और इम्पीडेंस होगा, उसकी वैल्यू होगी जेड टू और माइनस है, इसलिए दोनों करंट जो है उसके जो दोनों करंट यहाँ पर हम फ्लो करें फ्लो होगा उन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। और उसके साथ साथ आई ज़ीरो, तो आई ज़ीरो भी माइनस आई ज़ीरो इंटू जेड ज़ीरो है, यानी जेड ज़ीरो इम्पीडेंस और करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फ्लो करेगा, यानी आई ज़ीरो यहाँ से करंट फ्लो करेगा आई टू और यहाँ से करंट फ्लो करेगा आई वन। तो हमें जो है वो डायग्राम जो है वो हमने बना लिया, इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास है, इसका जो वोल्टेज हमारे पास होगा वो वी वन, इसका जो वोल्टेज होगा वो वी टू और यहाँ से जो वोल्टेज होगा वो वी ज़ीरो। तो इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना ली है। अब हमें फोल्ड करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारा मेन एम था वो फोल्ड करंट फाइंड करना था। और फोल्ड करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें आई वाई प्लस आई बी फाइंड करना था, और उसके लिए हमें थ्री आई ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि थ्री आई ज़ीरो से हम फोल्ड करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो थ्री इंटू आई ज़ीरो, आई ज़ीरो की वैल्यू हमने अभी फाइंड की वो कितनी थी, आई वन माइनस आई वन इंटू जेड वन अपॉन सॉरी इंटू जेड टू अपॉन जेड टू प्लस जेड ज़ीरो। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया थ्री इंटू माइनस आई वन जेड टू बाई जेड टू प्लस जेड ज़ीरो। अगर यहाँ पर हम आई वन की वैल्यू पुट कर दें, आई वन की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी वो अगर यहाँ पर हम पुट करें तो आई वन की वैल्यू कितनी थी हमारी, ई आर अपॉन जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड ज़ीरो डिवाइडेड बाई जेड टू प्लस जेड ज़ीरो इंटू जेड टू बाई सॉरी थ्री जेड टू बाई जेड टू जेड टू प्लस जेड ज़ीरो। और ये जो है दोनों माइनस साइन, यानी अब ये जो फॉर्मूला हमें मिला वो हमने I1 की वैल्यू यहाँ पर पुट की, I1 की वैल्यू कौन सी थी, ई आर अपॉन जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड ज़ीरो बाई जेड टू प्लस जेड ज़ीरो, वो I1 की जगह पर पुट की, बाकी जो है एज इट इज़ रहेगा। तो हमें जो है वो इसका अगर सॉल्यूशन लेंगे तो हमें आई ज़ीरो यानी कि फोल्ड करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, सो थ्री इंटू जेड टू ई आर अपॉन जेड ज़ीरो जेड वन प्लस जेड ज़ीरो जेड टू प्लस जेड वन जेड टू माइनस। तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो फोल्ड करंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिला डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड के लिए। तो डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड के अंदर जो हमें फोल्ड करंट की वैल्यू मिलेगी वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हम डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड के अंदर फेज वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो है वो फाइंड करना है। अब फेज वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला मतलब क्या हमें फाइंड करना है, तो कि तीनों फेज जो है हमारे वी आर वी वाई और वी बी तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो तीनों के वोल्टेज हमें फाइंड करने हैं, यानी कि फेज वोल्टेज में हमें तीनों के वोल्टेज फाइंड करने हैं, मतलब जो है हमें क्या करना होगा, तीनों के पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस करंट फाइंड करने होंगे सॉरी वोल्टेज फाइंड करने होंगे, और उस वोल्टेज से हम तीनों का सम लेके हम वी आर वी वाई और वी बी फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम आर फेज के जो है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस फेज वोल्टेज फाइंड कर ले फेज सीक्वेंस वोल्टेज फाइंड कर ले उससे हम जो है वो तीनों फेज के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें वी वन वी टू और वी ज़ीरो फाइंड करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें मालूम है कि जो फॉर्मूला क्या था हमारा, वी वन इज इक्वल टू ई आर माइनस आई वन जेड वन, वी टू इज इक्वल टू माइनस आई टू जेड टू और वी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस आई ज़ीरो जेड ज़ीरो। तो ये तीनों फॉर्मूला जो है वो हमारा फेज वोल्टेज फेज सिक्वेंस का वोल्टेज जो है वो फाइंड करने का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री वी आर है, वो तो हमने आगे ही पहले ही देखा था।
यानी वी आर जो है उसकी वैल्यू फाइंड करना है, मतलब वी वन प्लस वी टू प्लस वी जीरो फाइंड करना। अब यहाँ पर अगर सपोज हम अज्यूम करें कि जो वी वन वी टू और वी जीरो है उसको हम वी टू कह दे, तो वी टू प्लस वी टू प्लस वी टू यानी थ्री वी टू जो है हमें वैल्यू मिलेगी वी आर के लिए। तो वी आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें थ्री वी टू से हमें वी आर की वैल्यू मिल सकती है, उसी तरह थ्री वी जीरो से भी मिलेगी, थ्री वी वन से भी हमें वी आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम वी वाई की बात करें तो वी वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर वी वन प्लस ए वी टू प्लस वी जीरो, ये फॉर्मूला हम लेंगे। अब यहाँ पर ए स्क्वेयर कॉमन लें, यहाँ पर जो है सभी जगह पर अगर V2 पुट कर दे तो V2 आ जाएगा, यहाँ पर तो V2 है ही, और V2 अगर V2 कॉमन ले ले तो ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस वन आ जाएगा। अब ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस वन यानी जीरो, यानी हमें वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी जीरो। यानी हमें मालूम है कि आगे जो हमने जब हमने बात की डबल एंड टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए, तो वहाँ पर जो वाई फेस का वोल्टेज है वो जीरो होगा, तो ये हमने प्रूव कर दिया। उसी तरह अगर हम यहाँ पर आर बी फेस की बात करें तो बी फेस का वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वी बी ए वी वन प्लस ए स्क्वायर वी टू प्लस वी जीरो। अगर यहाँ पर अगर हम वी वन की जगह पर वी टू ले लें, वी टू की जगह पर वी टू और वी जीरो की जगह पर भी वी टू ले लें, तो वी टू कॉमन निकलेगा, यहाँ पर भी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस वन होगा, यानी वी टू इंटू जीरो, यानी वी बी बराबर भी हमें जीरो मिलेगा। हमें मालूम है कि दोनों फेस को हमने ग्राउंड किया हुआ है, इसलिए दोनों फेस के वोल्टेज हमें ज़ीरो मिलेंगे। तो ये जो हमने पहले बताया था उसी तरह हमें दोनों की वैल्यू ज़ीरो मिली, और आर फेस की वैल्यू जो है वोल्टेज की हमारी वो हमें थ्री इंटू वी टू जितनी या थ्री इंटू वी वन जितनी, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो सिक्वेंस के जो वोल्टेज है किसी भी के एक के, उसको अगर हम जो है वो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो हमारा फेज है आर फेज उसकी वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो तीनों फॉल्ट थे हमारे सिंगल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के अंदर फॉल्ट करंट कैसे फाइंड करते हैं वो सब हमने जाना, और हमने जो फेज वोल्टेज है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा। अब अगले लेक्चर के अंदर हम जो है एग्जाम्पल, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो कैसे सोल्व करेंगे वो सब हम देखेंगे। Thank you.